बेटी शिवानी आंखें खोलो, एक मंडल समाप्त हुआ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया। उठो बेटी, पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिए हुए तुम्हारे आदि शेष की आत्मा जहां प्रतिस्थापित हुई है उस जगह के बारे में पता चल गया है। आंखें खोलो बेटी। त्रिकाल गुरुदेव नमो नमः। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बताइए गुरुदेव, जिस प्रकार आज से 9 वर्ष पहले तुम्हारे आदिशेष की मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार उसके पुनर्जन्म के लिए जो योग आवश्यक, जैसे कारण, काल, कूट, 9 मंडलों के नक्षत्रों की जो रचना होनी चाहिए थी, तो फिर से उसी तारा मंडल की रचना होने जा रही है। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा आदिशेष से मिलने का समय समीप आ रहा है। जाओ बेटी, अपने आदिशेष को ढूंढो। क्या ये सच है गुरुदेव? मेरे आदिशेष के जन्म स्थल के बारे में आपको पता चल गया है गुरुदेव? हाँ शिवानी, पृथ्वी पर भारत खंड के दक्षिण भाग में कनक दुर्ग नामक स्थल पर तुम्हारा आदिशेष अपना 9वां जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मना रहा है। जाओ बेटी शिवानी, परंतु याद रहे तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, किसी भी समय पर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने की शक्ति तुम में है। उसका उपयोग करके तुम्हें अपने इस असली रूप को छुपाकर दूसरा रूप धारण करके जाना होगा। ऐसा ही करूंगी गुरुदेव, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तथास्तु। जरा देखो तो किसका फोन है, बोलो कि भैया गाड़ी चला रहे। भैया हवेली से है, लेकिन गोविंद ने किया है। बस 5 किलोमीटर भैया। वो हवेली के दिग्विजय जी कितने अच्छे हैं, पूरे गांव की मदद करते हैं, और ये एक जोकर उनके घर कैसे आ गया पता नहीं, खुद को बड़ा तोप समझता है। भैया उसे छोड़ो और आप जल्दी से गाड़ी चलाओ, वरना वो गोविंद हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, आप तो ये जानते हैं। अरे चुपचाप बैठो, ये कोई एरोप्लेन है क्या उड़ाने के लिए? मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ, इस घाट पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है पता है? अरे ये क्या? भैया आराम से। ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? भैया संभल कर। अरे ब्रेक नहीं लग रहा। भैया हे भगवान, अरे ब्रेक नहीं लग रहा। चलो शुक्र है। अरे जरा बाहर जाकर देखो तो। हाँ ठीक है। हे भगवान, सब सब्जियां गिर गई। भैया सारी सब्जियां नीचे गिर गई है, अब दूसरी गाड़ी बुलानी पड़ेगी। हेलो वीरू भैया, जल्दी से एक दूसरी गाड़ी भेज दो, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। अन्नदान करने की सभी सब्जियां हमारी लॉरी में हैं, इसलिए गाड़ी जल्दी भेजो, समझ गए ना आप? ए लड़की, कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? भैया देखो हमारी लॉरी में एक कोई छोटी लड़की है, कुछ बोल नहीं रही है। बेटी आ जाओ। कौन हो तुम बेटी, क्या नाम है तुम्हारा, किस गांव की हो? हाँ ये लो बेटा। पियो बेटा, दूध पियो। हाँ क्या हुआ?
आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा त्रिशूल शिवलिंग लेके आ रहा है। ए बेटी, रास्ते के बीच में क्यों खड़ी हो? थोड़ा किनारे हो जाओ। ओ, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। इधर करीब के मंदिर में ही आज ये हवन और अन्नदान भी कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब तुम्हारे बेटे पर कोई संकट नहीं आएगा। मृत्यु संकट का अब कोई डर नहीं। पंडित जी, ये मैंने मेरे खुद के लिए नहीं किया, मेरे छोटे मालिक के लिए किया। इतनी छोटी उम्र में कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। देखा पंडित जी, मेरा बेटा मेरे जैसा ही है। मैं जितना प्यार अपने मालिक से करता हूँ, ये उतना ही प्यार अपने छोटे मालिक से करता है। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। पिताजी जल्दी चलिए ना, वहाँ पे भी पूजा शुरू हो चुकी होगी। चलिए। ए नंदीश, तू इस परिवार का ड्राइवर है या मालिक है? नहीं, वो सुबह से सारे काम मैं अकेले कर रहा हूँ। यहाँ जल्दी आकर काम में हाथ बटाना ये तेरी जिम्मेदारी है, ये नहीं पता तुझे? सच बता, तू नौकर है या कोई पालतू कुत्ता? चल निकल यहाँ से। गोविंद, नंदीश ना हमारे घर का ड्राइवर है और ना ही नौकर है, इस परिवार का हिस्सा है। वो मैं ऐसा नहीं है जीजा जी, मैं... अगर तुमने उसे नीचा दिखाया तो वो मेरा अपमान होगा। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। नंदीश चलो। मालिक,
वो मैं जल्दी आने वाला था लेकिन थोड़ी देर हो गई, माफ कीजिए। लीजिए भगवान का प्रसाद। कोई बात नहीं, आप आइए, हवन खत्म कर लें। श्री विक्रम को जल्दी ले आओ, उसके बिना ये हवन नहीं होगा। अच्छा ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ और छोटे मालिक को ढूंढ कर ले आता हूँ। अरे छोटे मालिक देखो सीढ़ियाँ कितनी गीली हैं, थोड़ा संभल के चलिए ना। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है। देखा, मैं कह रही थी ना भैया, आप ऐसे भागो मत, गिर जाओगे। लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो और अब इस नौकर की तारीफ कर रहे हो। रीना, त्रिशूल को नौकर मत कहो, वो मेरा दोस्त है, हर वक्त मेरे साथ रहने वाला मेरा खास दोस्त। तुम ये सब नहीं समझोगी, तुम चलो। लेकर ही जाऊंगी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, तुम चलो। सुनिए छोटे मालिक, रीना मालकिन सही कह रही हैं, बड़े मालिक आपको हवन के लिए बुला रहे हैं, चलिए चलते हैं। तुम्हारे लिए छोटे मालिक, आज आपका जन्मदिन है, आपको नए कपड़े पहनने चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए। भैया तुम इसे नए कपड़े क्यों दे रहे हो, पुराने कपड़े इसके लिए काफी हैं। रीना कहा ना तुम यहाँ से चली जाओ, तुम वापस क्यों आई। इसके सामने मुझे डांट रहे हो, रुको पापा को बताती हूँ। छोटे मालिक, रीना मालकिन सही कह रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना लो। लेकिन छोटे मालिक सुनिए। देखो एक बार मैंने कह दिया तो बस कह दिया, चुपचाप लो, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं। लो पहनो इसे। ठीक है छोटे मालिक। वही है मेरा आदिशेष, मुझे उसी के पास जाना है। गुरुदेव के अनुसार आज वो अपना जन्मदिन मना रहा है, इसका मतलब वही मेरा आदिशेष है। त्रिशूल आया। ये कौन है जो इतनी ऊपर बैठी है, ये ऊपर कैसे गई। तुम यहाँ कैसे आई। गिर गई। तुम वहाँ ऊपर से गिरी। हाँ। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। इसी के कारण मैं अपने आदिशेष से मिल पाऊंगी। कौन हो तुम, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम यहाँ वहाँ भाग रही हो, अब देखो तुम वहाँ ऊपर से भी गिर गई। तुम यहाँ क्यों आई और तुम्हें क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए वो तुम ला दोगी। तुम्हें जो भी चाहिए मांग सकती हो। क्या चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट नहीं, वहाँ अंदर जो यज्ञ में बैठे हैं मुझे वही चाहिए। कौन चाहिए। वही जो तुम्हारे साथ आए थे ना, मुझे वही चाहिए। ओ, हमारे छोटे मालिक। हाँ हमारे मालिक मतलब मेरा मतलब है आपके मालिक। तुम जानती हो उन्हें। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन तुम उनसे क्यों मिलना चाहती हो। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मैं उनको जाके बताऊंगा।
नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। मैं ही उनसे बात करूंगी। अरे रो मत, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। अरे रे, छोटे मालिक तो हवन के लिए बैठे हैं, अब क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, जैसे ही छोटे मालिक हवन खत्म होते ही उठेंगे, तुम उनसे मिल लेना। आदिशेष, मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आई हूँ। नहीं, मुझे अभी मिलना है, मैं वहीं चली जाती हूँ। ए रुको, कौन हो तुम? ए, कौन है ये? गोविंद मामा, ये छोटे मालिक को मिलना चाहती है, इसलिए यहाँ आई है। तुम त्रिविक्रम को जानती हो? हाँ गोविंद मामा, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। ए, चल निकल, आ जाओ। आदिशेष, हम दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम जान जाओगे मैं कौन हूँ। मेरा आदिशेष मेरे पास आ रहा है, शायद उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया है। तुम इस लड़की को पहचानते हो क्या? ओ, इसको देखो। कहो आदिशेष, मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। त्रिविक्रम, बेटा जल्दी आओ। कह दो कि हमारा संबंध जन्मों जन्मों का है आदिशेष। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। निकलो यहाँ से। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं अपने आदिशेष को पाकर ही रहूंगी। कोई भी मुझसे मेरे आदिशेष को दूर नहीं कर सकता। फिर से मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ। मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते? मुझे नहीं पहचानते तुम? कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम है शिवानी। हम दोनों। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, जल्दी चलो, पुरोहित जी तुम्हें बुला रहे हैं। वो कुछ हवन का प्रसाद देना है कह रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। वो लड़की, ए, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? देर हो रही है, चलो जल्दी। कौन है वो लड़की? मुझे पहचानते हो क्या? ऐसा वो क्यों पूछ रही थी? उसे मुझसे क्या कहना था? और वो कहाँ गायब हो गई? जन्म के रास्ते के बारे में कैसे बताओ? तुम यहाँ हो? बिना खाना खाए तुम कहाँ गई थी? ये लो।
तुम किस गांव से हो? वासुकीपुरा। वासुकीपुरा ये कहाँ है? बहुत दूर है। कितना दूर? वो नहीं पता। अभी जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, देरी से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, पर तुम छोटे मालिक को क्यों ढूंढ रही थी? ओ, बर्थडे विश करने आई हो क्या? तो पहले तुम्हें मुझे विश करना चाहिए। तुम्हें? पर क्यों? क्योंकि आज मेरा भी जन्मदिन है। मैं और छोटे मालिक एक ही दिन पैदा हुए थे। और हाँ, सिर्फ दिन ही नहीं, समय भी एक था, एक ही नक्षत्र, एक ही घर में, एक सेकंड का भी अंतर नहीं था। अगर हमारे माता पिता अलग नहीं होते तो हम जुड़वा होते। और फिर लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है। तुम खाना खा लेना। हाँ, मैं चलता हूँ। पृथ्वी पर भारत खंड के दक्षिण भाग में कनक दुर्ग नामक स्थल पर तुम्हारा आदिशेष अपना नौवां जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मना रहा है। अर्थात इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। तो फिर इन दोनों में से मेरा आदिशेष कौन है? इसका उत्तर सिर्फ त्रिकाल गुरु ही दे सकते हैं। बात है शिवानी, तुम इतनी विचलित क्यों लग रही हो? आपका वचन, आपकी भविष्यवाणी असत्य साबित हो गई। धीरज रखो शिवानी, किसी बुद्धिहीन की तरह बातें मत करो। मैं सत्य कह रही हूँ गुरुदेव। 9 वर्षों तक तपस्या करने के बाद आपने मुझसे क्या कहा था गुरुदेव? कि ये काल योग, नक्षत्र, करण योग के अनुसार कनक दुर्ग में जो बालक आज जन्मदिन मना रहा है वही मेरा आदिशेष है। निसंदेह शिवानी, मेरा हर वचन सत्य है। उस स्थान पर जो बालक अपना जन्मदिन मना रहा है वो तुम्हारा आदिशेष है। मेरे नक्षत्र गण और मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो आपके नक्षत्र गण के अनुसार उस स्थल में एक नहीं दो बालकों का जन्म हुआ, ये आपको ज्ञात क्यों नहीं था? उस घर में दो बालकों का जन्म हुआ, एक त्रिविक्रम और एक त्रिशूल। तो फिर इन दोनों में से मेरा आदिशेष कौन है? मुझे सही मार्ग दिखाइए गुरुदेव। आदिशेष को ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। मैंने अपने ध्यान के बल से तुम्हें वहां तक पहुंचाया है शिवानी, परंतु अब आगे जो रहस्य है वो तुम्हें ही सुलझाने होंगे। अब उस रहस्य को केवल एक ही व्यक्ति भेद सकता है। वो कौन है गुरुदेव? तुम। हाँ शिवानी, तुम आदिशेष के अंतरंग को जानती थी। तुम उसकी अर्धांगनी थी। काया, वाचा, मन से, उसके कण कण से तुम परिचित थी। ये केवल तुमसे ही संभव है। केवल आदिशेष के संकेत से ही तुम नागमणि को प्राप्त कर सकती हो एवं तुम अपना प्रतिकार ले सकती हो शिवानी। ज्ञात रहे ये बात। अगर परमेश्वर की यही इच्छा है तो मैं आदिशेष को अवश्य ढूंढूंगी गुरुदेव।
और जिन्होंने उसे मारा है मैं उनसे प्रतिकार अवश्य लूंगी। शिव रूप शिव शिव बीज शिवाश्रय शिव भूत शिव प्राण प्रसीद परमाश्रय। ये है मणिबंधन। किंतु इस प्रयत्न में तुम इस मणि बंधन को कहीं खो ना देना शिवानी, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो कठिनाइयां तीव्र रूप ले लेंगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ज्ञात रहे आदि शेष को ढूंढने के लिए काल की एक सीमा है। आने वाले 5 दिनों में कालकोट अमावस्या है। उस अमावस्या के समाप्त होने से पहले तुम्हें अपने आदि शेष को पहचानना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ग्रहों की गति बदल जाएगी और तुम्हें अपने आदिशेष को ढूंढने में और कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसका ध्यान रखना। नहीं गुरुदेव, उस अवधि से पहले मैं अपने आदिशेष को ढूंढ कर ही रहूंगी। नागमणि को अपने उचित स्थान पर ले आऊंगी। प्रणाम स्वीकार कीजिए। शुभमस्तु। से मेरा आदिशेष कौन है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? अरे, इतना बड़ा कांटा चुभा है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? शिवानी, तुम्हारी मुस्कान मेरे सारे दर्द को दूर कर देती है। ये क्या है आदिशेष? ओह, ये नाग लोक में भविष्य में जो राज्य अधिकार संभालेगा ये उसका चिन्ह है और ये मेरा जन्म चिन्ह है। ये सिर्फ मेरे ही पैर पर नहीं, जो भी बच्चा पैदा होगा जिसका राज योग होगा उसके भी पैर में चिन्ह होगा। मिल गया आदिशेष, तुम तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया। नागलोक का चिन्ह जो तुम्हारे पैर पर है वही तुम्हारी पहचान है। हाँ, यही वो अस्त्र है जिसकी वजह से मैं तुम्हें इस जन्म में ढूंढ सकूंगी। मैं आ रही हूँ आदिशेष, इसी क्षण आ रही हूँ। मैं तुम्हें ढूंढकर हमारे स्नाग लोक में वापस ले आऊंगी आदिशेष।
साम साम मालिक बचाइए, कोई तो आइए, साम 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 है यहाँ, साम 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 है यहाँ, मालिक साम है मालिक। कहाँ सांप? देखिए बताओ सांप कहाँ देखा तुमने सांप को? यहीं पर देखा था। गया कहाँ? कहाँ गया पता नहीं। देखो यहीं कहीं होगा, उस तरफ जा, हो सकता है झाड़ियों के पीछे हो। देखो शायद वहाँ गया होगा। देखो जल्दी इधर इधर देखो, इधर देखो, इस तरफ देखो, यहाँ देखा? देखा तो था। पीछे की तरफ देखो। अरे मधुमती तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पार्टी में नहीं चलना क्या? मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? तुम नहीं जाओगी तो वहाँ काम कौन संभालेगा? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। एक बात बताइए, जिसकी नियत अच्छी नहीं है उसकी सेवा क्यों करते हैं? क्यों मधु, क्या हो गया? हम कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। हमारा पूरा परिवार 24 घंटे मालिक के परिवार के लिए काम करता रहता है। हम हमेशा उनका भला चाहते हैं, लेकिन वो हमें इतना गिरा हुआ क्यों समझते हैं? तुमसे ये किसने कह दिया? वो गोविंद भैया बात बात में हमें नीचा दिखाते रहते हैं। हमें वो जो चाहे कहे, लेकिन हमारे बेटे को वो उसे भी नहीं छोड़ते। देखो मधु, हम इस घर की सेवा गोविंद भैया के लिए नहीं करते, हम ये मालिक के लिए करते हैं। और क्या आज तक मालिक ने कभी हमारा अपमान किया है या कभी उन्होंने हमें डांटा है? लेकिन जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे लिए मालिक सब कुछ है। वो ही मुझे रास्ते से उठाकर इस घर में लाए, मुझे काम दिया, वो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मालिक मेरे लिए भगवान समान है। मैंने ये जिंदगी उनके नाम कर दी है। इस घर में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मालिक के लिए चुपचाप सुन लेना, किसी भी बात का बुरा मत मानना। तैयार हो जाओ और पार्टी में आओ। नंदीश कहाँ है? वो बहुत देर हो रही है, पूजा हो या ना हो उन्हें तो सिर्फ पार्टी चाहिए। पार्टी के भूखे हैं सबके सब। ए दिग्विजय भैया, देखो आगे। पूजा अर्चना सब ठीक से हो गई ना? हाँ भाई, मैं भी वही पूछने वाला था। यहाँ सांप आया था ना, वो हम सब लोगों को परेशान ना करें, वैसी पूजा हवन तो आपने की है ना? अरे क्या दीदी, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? क्या हुआ गोविंद? अरे दीदी वो कौन है? वो एक ड्राइवर का बेटा है। जैसे उन्होंने नंदीश को अपने सर पर चढ़ा कर रखा है, वैसे उस त्रिविक्रम को त्रिशूल के साथ छोड़ दिया है। चलो माना वो लोग दोनों दोस्त हैं, पर ये दोनों की दोस्ती क्यों बढ़ रही है? ठीक है ना, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, तुम कितनी ज्यादा ना समझ हो। अरे हमारा लेवल क्या है और उनका लेवल देखो, एक ही तरह के कपड़े हैं, एक जैसी क्वालिटी है। मालिक के बेटे और नौकर के बेटे के बीच में अंतर तो होना चाहिए ना? मुझे ये जरा भी ठीक नहीं लग रहा है। तुम चाहे कुछ भी सोचो, आज के बाद उन्हें अपनी सीमा में रहना ही होगा। पर ये सब मैं नहीं कर सकता ना, इसलिए तुम करोगी। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गोविंद तुम इतनी जल्दी भूल गए, थोड़ा याद करो। जिस दिन त्रिशूल ने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी, तब से उसने मेरा प्यार और भरोसा जीत लिया। सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का। उसे मैं अपने बेटे से दूर नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती, पर अगर मैं चाहूँ तो? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे पार्टी चल रही है, जाओ और लोगों को संभालो। ये संभालने का काम हमेशा मैं ही क्यों करूं? नीचे जाओ, बहस मत करो, जाओ जाओ। आज किसी भी तरह ये पता लगाना होगा कि मेरा आदिशेष कौन है, और ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पैरों के नीचे वाला चिन्ह। वो देखने के बाद ही पता चलेगा, बस वही एक चिन्ह काफी है आदिशेष को सब कुछ याद दिलाने के लिए। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आज मैं पता करके ही रहूंगी। आज तो मैं पकड़ी ही जाती। माँ
तुम मुझ पर हमेशा शक करती रहती हो ना? देखो मैं सॉक्स पहनकर सोया हूँ। सिर्फ सॉक्स पहनकर सोने से कुछ नहीं होगा। देखो नीचे पार्टी चल रही है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ नहा कर आ जाओ। हाँ माँ, अभी आया। त्रिविक्रम, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ है तुम्हें? जब तक मैं नहीं उठाती थी तुम उठते नहीं थे, और आज देखो तुम उठकर खुद रेडी भी हो गए, वो भी मैंने जो पार्टी के लिए ड्रेस लाकर रखी थी वो पहनकर। अब से तुम्हें माँ की जरूरत नहीं रही। बड़े होने पर बच्चों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, सब इंतजार कर रहे हैं। आओ, केक कट करना है ना? किस सोच में पड़ गए तुम बेटा? चलो आओ। नहीं माँ, मैं बाद में आता हूँ। बाद में क्यों, पहले कितनी देर हो गई है। चलो चलो। इस बीन की आवाज को भी अभी सुनाई देना था। हे परमेश्वर, अब तुम ही मुझे बचने का रास्ता दिखाओ, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। म्यूजिक क्यों बंद किया आपने? बेटा, ये म्यूजिक मुझे पसंद नहीं है। क्यों, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर सांप ने ये म्यूजिक सुन लिया तो म्यूजिक सुनकर यहाँ तक पहुँच जाएगा, टू यू करते यहाँ आ जाएगा, पता है? मालिक मालिक, घर के अंदर सांप आ गया है। कहाँ है सांप? मालिक, घर के आसपास बगीचे में स्विमिंग पूल के पास हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो लगता है सांप घर के अंदर घुस गया है। ए नंदीश, मेरा मुंह क्या देख रहा है? किसी सांप पकड़ने वाले को फोन कर। हाँ, बुलाओ बुलाओ। दिग्विजय सर, मैंने पहले ही फोन करके बुला लिया। जरूरत नहीं है, सांप भगवान के समान है, उन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसी की जान लेने का हक यहाँ किसी को नहीं है। सांप को मारने की बात कोई नहीं करेगा। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सांप पकड़ने वाले को बुला लिया है, ठीक है? देखिए, कोई टेंशन नहीं है, तो चलो केक कट करते हैं। आइए आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। से बीन की आवाज सुनाई दे रही है। मालिक, घर के अंदर सांप है। घर वालों को छोड़कर बाकी लोगों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दीजिए। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, सबको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा।